आई एम कलम और जलपरी जैसी फिल्में बना चुके निर्देशक नील माधव पांडा की अगली फिल्म कड़वी हवा है। यह फिल्म सूखाग्रस्त बुंदेलखंड की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कड़वी हवा एक ऐसी फिल्म साबित होने जा रही है जो क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर विषय पर बेहद संजीदा बहस को उठाती है। इस फिल्म में बुंदेलखंड के इलाके को बेस बनाया गया है पर इसका प्रभाव बेहद बड़ा है। संजय मिश्रा का है मेन रोल। कड़वी हवा में संजय मिश्रा लीड रोल में हैं, उनके साथ रणवीर शौरी भी हैं। इस फिल्म का मेन प्लॉट बुंदेलखंड का सूखा है और उसके पीछे की हकीकत। फिल्म में संजय मिश्रा एक किसान के रोल में हैं, जो कर्ज से दबा हुआ है। वहीं फिल्म में रणवीर शौरी एक ऐसे इंसान का रोल कर रहे हैं जो उड़ीसा से विस्थापित होकर आया है। एक तरफ उड़ीसा में पानी का होना ही तबाही की वजह है तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड में पानी का न होना। यह फिल्म 24 नवंबर को रिलीज होगी।